सो हम लोग फंक्शन डिस्कस कर रहे थे, कुछ और कॉन्सेप्ट के बारे में फंक्शन में पढ़ेंगे। कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस का फिर से यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। सो हम लोग फंक्शन का चल रहा था, आज फंक्शन का लास्ट क्लास है। कुछ थोड़ा सा बचा हुआ कॉन्सेप्ट है, वो कुछ मोर कॉन्सेप्ट आज डिस्कशन होगा फंक्शन में। तो ध्यान दीजिए इसमें, फर्स्ट एक बार आप लोग को हमेशा ध्यान देते होंगे कि रिटर्न आपका आता है फंक्शन में। जब भी फंक्शन को लास्ट में रिटर्न या रिटर्न जीरो या रिटर्न समथिंग कुछ लिखते हैं या कुछ सिर्फ ब्लैंक रिटर्न लिखते हैं, सो यहाँ रिटर्निंग कंट्रोल क्या उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन होगा। ठीक है, अगर इफ नथिंग इज रिटर्न मतलब कुछ नहीं रिटर्न करना रहेगा तो उस केस में आप क्या करना होगा, सिंपली रिटर्न लिख सकते हैं या फंक्शन कब रिटर्न होगा, या तो आपका क्लोजिंग है, जैसे आपका फंक्शन का ये आपका ओपनिंग है और यहाँ आपका फंक्शन का क्लोजिंग है, तो बीच में आपको सिर्फ रिटर्न लिख देने से रिटर्न हो जाएगा वहां से, नहीं तो कहाँ पर से फिर वापस रिटर्न होगा, फंक्शन का राइट एड्रेस मिलेगा उस समय से वापस रिटर्न हो जाएगा। तो फंक्शन में या तो अगर कुछ नहीं रिटर्न करता है तो सिंपली आप सिर्फ रिटर्न लिख दीजिएगा तो वापस बैक हो जाएगा वहां से, नहीं तो क्या रिटर्न कब होगा, फंक्शन का क्लोजिंग आएगा मतलब राइट एड्रेस जब मिलेगा वहां से वापस रिटर्न हो जाएगा। अगर फंक्शन कुछ नहीं रिटर्न कर रहा उस केस में, अगर सपोज कि आपका फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है तो उस केस में आपको रिटर्न लिखना होगा, या तो एक्सप्रेशन होगा या कुछ समथिंग वैल्यू होगा, जो भी होगा उसके अनुसार डिपेंड करेगा वो उसको रिटर्न करेगा। सपोज कि कोई एक्सप्रेशन रहेगा, अगर एक्सप्रेशन रहेगा तो रिटर्न एक्सप्रेशन लिखेगा तो उसमें क्या होगा, रिटर्न एक्सप्रेशन नहीं लिखना है, रिटर्न या एक्सप्रेशन में जगह कुछ होगा जैसे एक्स स्क्वायर प्लस टू जो भी होगा उसका वैल्यू इवेलुएट करके वो वापस रिटर्न कर देगा, या सिंपली वन रिटर्न कर रहा है जीरो मतलब जो रिटर्न कर रहा है उसको रिटर्न कर देगा। अगर फंक्शन आपका कुछ नहीं रिटर्न करता है तो सिंपल सिर्फ रिटर्न रहेगा, उसके साथ कुछ नहीं ऐड होगा तो वहां से रिटर्न होगा, या आपका ये राइट ब्रेस मिलेगा मतलब क्लोजिंग ब्रेस मिलेगा तो वहां से फंक्शन रिटर्न वापस हो जाएगा। इस तरह से रिटर्न आपका काम करता है। अगर नहीं रिटर्न लिखेगा तो क्लोजिंग ब्रेस मिलेगा, वहां से आपका फंक्शन वापस रिटर्न होगा। इसको एक थोड़ा सा एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझते हैं। देखिए हम एक एग्जाम्पल भी है, इस एग्जाम्पल देखिए आपका ये मेन फंक्शन है और ये आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन स्क्वायर एक दिए है। इस मेन फंक्शन में क्या किया हमने, देखिए इसको जरूरी नहीं, मेन फंक्शन को आप ऊपर भी लिख सकते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन को नीचे भी लिख सकते हैं, किसी को ऊपर किसी को नीचे लिख सकते हैं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। इसलिए मेन फंक्शन को भी आप ऊपर लिख सकते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन को भी ऊपर लिख सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। ध्यान दें इसमें हमने क्या किया है, मेन फंक्शन के अंदर हमने डिक्लेयर किया क्या है, तीन वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, तीनों का डेटा टाइप इंटीजर है, इंट की है, वेरिएबल पहला वेरिएबल ए है, दूसरा बी है, तीसरा देखिए क्या है सम अंडरस्कोर एसक्यू लिखे है, ये वेरिएबल नेम दिया आप दे सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है इसमें। उसका देखिए क्या है, प्रिंट एफ गिव ए एंड बी, ए और बी आपका वैल्यू, आपका ए और बी का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, जैसे आपका वैल्यू पूछा जाएगा कहाँ से, स्कैन एफ फंक्शन चाहिए इनपुट के लिए, तो इनपुट के लिए यहाँ स्कैन एफ फंक्शन यूज किया है, दो वेरिएबल का वैल्यू पूछ रहे हैं तो दोनों के लिए परसेंट डी फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किए हैं, क्योंकि यहाँ ए और बी इंटीजर है इसलिए परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किए हैं। दोनों इंटीजर इसलिए परसेंटेज भी फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किए हैं, उसके साथ एम परसेंट भी किए। उसके बाद ध्यान दीजिए हमने क्या किया है, सम इज सम अंडरस्कोर एसक्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर ए प्लस स्क्वायर ए किए। ध्यान दीजिए यहाँ पर दो बार फंक्शन कॉलिंग हो रहा है, एक बार स्क्वायर फंक्शन कॉल हो रहा है उसके साथ क्या है वैल्यू ए के साथ कॉलिंग हो रहा था। सपोज ये आपने यहाँ पर ए का वैल्यू और यहाँ पर इनपुट जो किया था ए का वैल्यू टू इनपुट कर दिए थे और बी का वैल्यू फाइव इनपुट किए, बी इक्वल टू फाइव इनपुट किए, इस तरह से हमने दो इनपुट दिया, ए का वैल्यू टू लिए है और बी का फाइव लिए। यहाँ पर सम अंडरस्कोर स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ए, मतलब ए का वैल्यू यहाँ पर टू है तो स्क्वायर ए मतलब स्क्वायर टू के साथ एक कॉल होगा, तो कॉल होगा तो कहाँ जाएगा कंट्रोल, यहाँ पर कंट्रोल आएगा कहाँ पर, फंक्शन यहाँ पर डिफाइन है आपका ये, तो यहाँ पर कॉल आएगा, तो कॉल जाएगा तो कहाँ होगा एक्स क्या रिसीव करेगा, ए का कॉपी रिसीव करेगा मतलब ए का वैल्यू क्या है टू, तो टू रिसीव करेगा, टू रिसीव करने के बाद क्या कर रहा है अंदर भेजे में डिक्लेयर किया वाई वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू ए, मतलब टू इंटू टू कर रहे हैं कैलकुलेट कर रहे हैं और उसको रिटर्न कर रहे हैं, जो रिटर्न क्या करें यहाँ पर रिटर्न वाई कर रहे हैं, मतलब ये जो भी कंप्यूटेशन का जो वैल्यू आएगा तो टू इंटू टू फोर, मतलब रिटर्न वाई कर रहे तो रिटर्न फोर हो सकता है, यहाँ तक आप ये स्टेटमेंट स्किप करके रिटर्न डायरेक्टली रिटर्न एक्स इंटू एक्स भी कर सकते थे, ऐसा भी कर सकते हैं। यहाँ से देखिए क्या करेगा वैल्यू वापस यहाँ पर देखिए रिटर्न लिख रहे हैं तो यहीं से रिटर्न हो जाएगा, अगर वैल्यू वहां से अब वापस रिटर्न हो जाएगा, अगर यहाँ रिटर्न क्या किया वाई को रिटर्न मतलब वाई के वैल्यू को रिटर्न, वाई का वैल्यू क्या 24 रिटर्न हुआ था, यहाँ स्क्वायर क्या टोटल का वैल्यू फोर हो जाएगा,
फोर प्लस फिर क्या होगा स्क्वायर बी, स्क्वायर बी मतलब स्क्वायर फाइव, स्क्वायर फाइव के साथ, फाइव के साथ कॉलिंग आएगा, फाइव रिसीव करेगा एक्स, तो वाई इक्वल टू फाइव इंटू फाइव मतलब 25। तो इस तरह से ये 25 यहाँ से रिटर्न कहाँ आएगा, इसको कॉलिंग कहाँ से आया, यहाँ से कॉल आया तो वापस यहीं पर रिटर्न आएगा। तो यहाँ पर क्या वैल्यू है, फोर प्लस 25 कितना हो जाएगा 29, स्क्वायर अंडर सम अंडर स्क्वायर एस क्यू का वैल्यू कितना हो गया 29, तो वही इसका वैल्यू क्या होगा 29 यहाँ प्रिंट होगा आउटपुट में। यहाँ देखिए आपको रिटर्न का सिग्निफिकेंस समझा रहे थे, यहाँ जैसे रिटर्न मिलेगा वो रिटर्न स्टेटमेंट मिलेगा, उसके साथ अगर कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलेगा तो वापस कंट्रोल रिटर्न यहाँ चल जाएगा। यहाँ पर देखिए अगर नथिंग रिटर्न करना रहेगा तो बस सिर्फ आपको सिर्फ रिटर्न लिखकर छोड़ देना होगा, उसके साथ कोई वैल्यू नहीं देना होगा, कुछ नहीं रिटर्न करेगा। या आप क्लोजिंग ब्रेस अगर रिटर्न ये रिटर्न स्टेटमेंट नहीं यूज करते हैं तो आपका जो क्लोजिंग ब्रेस आएगा मतलब राइट ब्रेस आएगा तो वहां से फंक्शन रिटर्न वापस होगा। ये रिटर्न का कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखिएगा। उसका यहाँ से फिर से हम लोग फंक्शन में कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस को फिर से यहाँ रिकॉल करेंगे, थोड़ा सा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए फिर से एक अनदर एग्जाम्पल के साथ यहाँ थोड़ा डिस्कशन कर देंगे। कुछ प्रीवियस प्रीवियस क्लास में कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस थोड़ा सा डिस्कशन हुआ था, फिर सारे रिपीट डिस्कशन है उसका, ध्यान दीजिए। कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस ध्यान दीजिए क्या होता है, जो भी ओरिजिनल वैल्यू होता है जिसको एक्चुअल पैरामीटर कहते हैं, एक्चुअल पैरामीटर का कॉल बाय वैल्यू में मॉडिफाई नहीं होता है, लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में आपका एक्चुअल पैरामीटर मॉडिफाई हो जाता है। कॉल बाय वैल्यू ध्यान दीजिएगा, ओरिजिनल वैल्यू जो भी पास करेंगे कॉल बाय वैल्यू में मॉडिफाई नहीं होगा, और कॉल बाय रेफरेंस में ओरिजिनल वैल्यू मतलब एक्चुअल पैरामीटर आपका मॉडिफाई हो जाएगा। फिर से एक एग्जांपल के साथ दोनों का डिस्कशन कर देते हैं, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। देखिए कुछ पॉइंट्स है, पॉइंट्स को आप हमेशा ध्यान में रखिए। कॉल बाय वैल्यू में क्या है, कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, एक्चुअल पैरामीटर का एक कॉपी फॉर्मल पैरामीटर में जाता है। एक्चुअल पैरामीटर कौन सा होगा, देखिए जैसे ये एग्जांपल है, यहाँ पर आपका क्या होगा, जैसे ये आपका एक्चुअल पैरामीटर का, यहाँ से फंक्शन कॉल करेंगे तो ये एक्चुअल पैरामीटर का लगेगा, और ये जो यहाँ फंक्शन डिफिनेशन हुआ है वहां पर जो रिसीव होगा वो फॉर्मल पैरामीटर होगा। यहाँ एक्चुअल पैरामीटर का एक कॉपी जो जो भी वैल्यू यहाँ 500 का एक कॉपी जाएगा, 500 नहीं जाएगा, उसका ओरिजिनल वैल्यू नहीं जाता, उसका एक जस्ट एक कॉपी जाता है, मतलब कॉपी करके यहाँ जाता है, इसलिए एक्चुअल पैरामीटर चेंज नहीं होता है। इसलिए क्या है, इन कॉल बाय वैल्यू मेथड द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर इज कॉपीड इनटू द फॉर्मल पैरामीटर। सो एक्चुअल पैरामीटर का वैल्यू कॉपी होता है फॉर्मल पैरामीटर, सो इसको वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज यूज्ड इन अ फंक्शन लाइक फंक्शन कॉल इन कॉल बाय वैल्यू मेथड। कॉल बाय वैल्यू मेथड में क्या होता है, एक्चुअल पैरामीटर यहाँ देखिए, यहाँ पर जो आपका ये एक्स है एक्चुअल पैरामीटर, एक्चुअल पैरामीटर का जो भी वैल्यू है 500, इसका एक कॉपी जाएगा किसमें जाएगा, फॉर्मल पैरामीटर। फॉर्मल पैरामीटर ये है, यहाँ पर एन जो आपका ये फॉर्मल पैरामीटर, तो फॉर्मल पैरामीटर में एक्चुअल पैरामीटर का जो भी वैल्यू उसका एक कॉपी रिसीव होता है, इसलिए एक्चुअल पैरामीटर यहाँ चेंज नहीं होता जो भी मॉडिफिकेशन होगा। दूसरा पॉइंट ध्यान दीजिए क्या है, इन कॉल बाय वैल्यू मेथड वी कैन नॉट मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर बाय द फॉर्मल पैरामीटर। लेकिन यहाँ फॉर्मल पैरामीटर में जो भी मॉडिफिकेशन होगा एक्चुअल पैरामीटर में मॉडिफिकेशन नहीं होता है कॉल बाय वैल्यू में, क्योंकि उसका ओरिजिनल वैल्यू पर काम नहीं हो रहा, जो भी वर्क हो रहा है उसके जो भी वैल्यू उसका कॉपी पर काम हो रहा है, इसलिए एक्चुअल पैरामीटर नहीं चेंज होगा। थर्ड पॉइंट देखिए, इन कॉल बाय वैल्यू डिफरेंट मेमोरी एलोकेटेड फॉर एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर, मतलब दोनों के लिए अलग अलग मेमोरी एलोकेट होगा। जैसे ये आपका एक्स यहाँ एक्चुअल पैरामीटर, इसका अलग मेमोरी एलोकेट होगा, और एन फॉर्मल पैरामीटर, इसका अलग मेमोरी एलोकेट होगा, इसलिए दोनों का मेमोरी अलग अलग क्वेश्चन होगा। सो इसमें ध्यान दिया, द एक्चुअल पैरामीटर इज द आर्गुमेंट विच इज यूज इन द फंक्शन कॉल, वेयर एज फॉर्मल पैरामीटर इज द आर्गुमेंट विच इज यूज्ड इन द फंक्शन डिफिनेशन। सो ध्यान दीजिए, देखिए फंक्शन कॉल में या फंक्शन कॉल में जो ये आपका यहाँ फंक्शन कॉल है, फंक्शन कॉल में एक्चुअल पैरामीटर यूज होता है और फंक्शन डिफिनेशन में फॉर्मल पैरामीटर यूज होता है। इसको थोड़ा सा फिर से इस एग्जाम्पल थोड़ा समझा देते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ मेन को आपने नीचे लिखिए या ऊपर लिखिए अंतर नहीं पड़ता, मेन को फंक्शन को नीचे लिखिए या यूजर डिफाइंड फंक्शन यहाँ आपका मॉडिफाई उसको ऊपर लिखिए, उससे अंतर नहीं पड़ता, कहीं भी ऊपर नीचे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए आप। लेकिन हमेशा आपका प्रोग्राम जो रन करेगा हेडर फाइल के बाद सीधे क्या होगा, मेन से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हम ऑलवेज मेन से स्टार्ट होगा। तो यहाँ देखिए इंट है मेन, यहाँ स्टार्टिंग एग्जीक्यूशन यहीं से होगा, आपका ओपनिंग ब्रेस एक क्लोजिंग ब्रेस, मेन का बॉडी है पूरा का पूरा, ये मेन का बॉडी है। मैंने पहला स्टेटमेंट देखिए, हमने एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंट एक्स इक्वल टू 500, ध्यान दीजिए इस तरह से जैसे आप इंट एक्स इक्वल टू 500 तो एक मेमोरी एलोकेट होगा, उसका नेम क्या होगा, नेमिंग करें नेम एक्स होगा,
सपोज ये कुछ भी सम इसका समथिंग एड्रेस है, सपोज ये उसका एड्रेस है 1024, सपोज ये एड्रेस मान लिया इसका एड्रेस 1024, कुछ भी मांग सकते हैं कोई इशू नहीं। और इसमें क्या असाइन, साथ में असाइन भी करें, इसका वैल्यू क्या 500 असाइन होना, मतलब इस मेमोरी एलोकेशन एलोकेट जो होगा उसमें 500 वैल्यू एलो असाइन हो जाएगा, इतना चीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इस लाइन का मतलब सिर्फ इतना ही हुआ। उसके बाद क्या कह रहा है, प्रिंट बिफोर फंक्शन कॉल एक्स इक्वल टू परसेंटेज, मतलब फंक्शन कॉलिंग के पहले एक्स का क्या वैल्यू हो उसको प्रिंट करना है, तो एक्स का जो भी वैल्यू होगा प्रिंट होगा, मतलब इस लाइन में सिर्फ क्या होगा 500 प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर 500 आउटपुट में 500 आ जाएगा, और ज्यादा कुछ इसमें नहीं है, यहाँ पर 500 यहाँ पर आउटपुट आएगा। उसके बाद क्या करें, फंक्शन कॉल करें, फंक्शन का नाम क्या दिया मॉडिफाई, और पैरामीटर क्या पास करें एक्स, यहाँ से पास वैल्यू कॉल बाय वैल्यू हो रहा है। इस केस में क्या करना है, देखिए ये आपका एक्स जो है एक्चुअल पैरामीटर, एक्चुअल पैरामीटर का ये देखिए मेमोरी लोकेशन 1024 है, वैल्यू 500 है और एक्स नेम है। जैसे ये पास होगा तो मॉडिफाई फंक्शन जहां भी डिफाइन होगा यहाँ डिफाइन है, तो यहाँ पर क्या होगा एक फॉर्मल पैरामीटर क्या है एन है, इसको आप फॉर्मल पैरामीटर है, ये भी इसका अलग से मेमोरी लोकेशन होगा, इसका नेम एन है, इसमें इसका मेमोरी लोक एन है, और इसका भी समथिंग कुछ भी एड्रेस हो गया, सपोज कि इसका एड्रेस मान लेते 5054 है एड्रेस, इसका कुछ ही ले सकते हैं, रैंडम एड्रेस ले लिए कुछ भी हो सकता है एड्रेस, इसमें बस दोनों का अलग अलग एड्रेस होगा, ध्यान दीजिए। ये आपका एक्स जो है यहाँ पर एक्चुअल पैरामीटर और एन जो है फॉर्मल पैरामीटर, और जैसे ही हम मॉडिफाई एक्स किए तो एक्स का जो वैल्यू उसका एक कॉपी रिसीव कौन सा करेगा, ये फॉर्मल पैरामीटर रिसीव करेगा, एक्स का वैल्यू क्या 500, यहाँ ये भी रिसीव एन का वैल्यू भी 500 होगा, ये रिसीव किया 500, ध्यान से देखिएगा, ज्यादा हार्ड नहीं है, आसान चीज है। फिर देखिए अगला, उसके बाद क्या कर रहे हैं यहाँ पर, प्रिंट है बिफोर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन एन इज इक्वल, एन का वैल्यू प्रिंट कर रहे थे, एन का वैल्यू क्या रिसीव किया था 500, एक्स का वैल्यू का कॉपी रिसीव किया था, क्या 500 का कॉपी क्या होगा 500 रिसीव किया, एन का वैल्यू क्या है यहाँ पर आउटपुट क्या मिलेगा, ये आपको 500 प्रिंट कर, इस लाइन की वजह से आपको यहाँ पर 500 आउटपुट मिलेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए 500 आउटपुट मिलेगा। उसके बाद अगला स्टेटमेंट क्या करें, एन इक्वल टू एन प्लस 500 कर रहे हैं, अभी एन का करंट वैल्यू क्या रिसीव है 500, उसमें क्या करें फिर से 500 ऐड करते हैं, एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 500 से क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा एन का वैल्यू 1000 हो गया, दोनों अलग अलग मेमोरी लोकेशन पर काम हो रहा है, ये क्या होगा 500 से 1000 हो गया। उसके बाद क्या है, आफ्टर एडिंग वैल्यू इनसाइड द फंक्शन एन का वैल्यू प्रिंट करेगा, अभी एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 500 से 1000 हो जाएगा, ये आपको आउटपुट यहाँ पर आपको 1000 मिलेगा, इस तरह से आपको आउटपुट 1000 मिलेगा, इस तरह से आपको आउटपुट यहाँ पर 1000 आ गया। आउटपुट हाँ 1000 आएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए इसमें कुछ रिटर्न वगैरह हमने कहीं यूज नहीं किया, अगर रिटर्न नहीं यूज किए हैं तो जैसे आपका क्लोजिंग ब्रेस रहेगा तो उस जैसे क्लोजिंग ब्रेस रहेगा तो फंक्शन का एंड हो जाएगा, और वापस रिटर्न कहाँ चला जाएगा, जो फंक्शन कॉल किया यहाँ से कॉल आया था यहाँ वापस रिटर्न हो जाएगा, यही चीज यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट में क्या दिया था, शुरू में ही देखिए रिटर्न के बारे में देखिए, इफ नथिंग इज रिटर्न सिंपली रिटर्न लिख सकते थे, रिटर्न नहीं देंगे तो क्या अंटिल रिचेज मतलब राइट ब्रेस मिलेगा तो वहां से वो रिटर्न हो जाएगा, यहाँ से आपका इसमें रिटर्न कुछ नहीं दिया है तो राइट ब्रेस मिलेगा वहीं से वापस रिटर्न होगा, कहाँ रिटर्न जाएगा जहां से कॉल आया था, यहाँ से कॉल आया था यहाँ वापस रिटर्न आ गया। अब ध्यान दीजिए फिर अगला स्टेटमेंट इसमें क्या है, प्रिंट आफ्टर फंक्शन कॉल एक्स इक्वल टू परसेंटेज, अब देखिए एक्स का वैल्यू क्या है, आप ही देखिए एक्स का वैल्यू यहाँ स्क्रीन पर साफ साफ दिख रहा है, एक्स का वैल्यू में तो कुछ चेंज नहीं हुआ, ये तो एन का वैल्यू पर चेंज हुआ था, एक्स का वैल्यू एज इट इज है मतलब 500 का 500 है, इसलिए एक्स का वैल्यू क्या होगा 500 प्रिंट होगा, इस तरह से ये आपका 500 आउटपुट मिल जाएगा यहाँ पर। उसके बाद क्या है रिटर्न जीरो, कुछ नहीं फंक्शन मिल रहा है इसलिए रिटर्न जीरो दे दिए थे, उसके बाद ये क्लोजिंग में मतलब मेन का भी एंडिंग हो गया, इस तरह से देखिए कॉल बाय वैल्यू क्या हो रहा था, एक्चुअल पैरामीटर मींस ओरिजिनल वैल्यू मतलब एक्स है यहाँ मॉडिफाई नहीं हो रहा है, सिर्फ फॉर्मल जो भी काम हुआ फॉर्मल पैरामीटर पर हुआ, जो मॉडिफिकेशन हुआ फॉर्मल पैरामीटर पर ही हुआ जो लोकली हुआ, और बस वहीं पर सब चेंज हुआ था जैसे 500 से 1000 हो गया, लेकिन एक्चुअल पैरामीटर जो एक्स है उसका कोई भी चेंजिंग नहीं होगा कॉल बाय वैल्यू में, इसलिए ध्यान दीजिए कॉन्सेप्ट क्या था, कॉल बाय वैल्यू में ओरिजिनल वैल्यू मॉडिफाई नहीं होगा लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में मॉडिफाई होगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगला कॉन्सेप्ट कॉल बाय रेफरेंस भी देख लेते हैं, देखिए कॉल बाय रेफरेंस में क्या है, द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल इज पास्ट, इसमें एड्रेस पास्ट इनटू द फंक्शन कॉल एज द एक्चुअल पैरामीटर, एक्चुअल पैरामीटर उसमें क्या कहते हैं कॉल बाय वैल्यू में वैल्यू पास करें, लेकिन इसमें क्या करेंगे उसका एड्रेस पास करेंगे,
अगला क्या है, द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर कैन बी मॉडिफाइड बाय चेंजिंग द फॉर्मल पैरामीटर सिंस द एड्रेस ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर से। देखिए यहाँ एड्रेस पास कर रहे हैं, जिसे फॉर्मल पैरामीटर में जो भी चेंज होगा क्या होगा, एक्चुअल पैरामीटर में भी चेंज हो जाएगा। कैसे होगा, एग्जाम्पल में समझ में आ जाए क्लियरली। फिर ध्यान दें, इन कॉल बाय रेफरेंस द मेमोरी एलोकेशन इज सिमिलर फॉर बोथ फॉर्मल पैरामीटर एंड एक्चुअल पैरामीटर्स, सो ऑल द ऑपरेशन इन द फंक्शन आर परफॉर्म ऑन द वैल्यू स्टोर एट द एड्रेस ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर एंड द मॉडिफाइड वैल्यू गेट्स स्टोर इन द सेम एड्रेस। तो ध्यान दीजिए, इसमें जो भी मॉडिफिकेशन होगा एक्चुअल पैरामीटर पर भी होगा, पर ही होगा, क्योंकि यहाँ एड्रेस पास कर देने, तो सो उस एड्रेस पर जो वैल्यू होगा उस पर मॉडिफिकेशन होगा। सो इसलिए क्या होगा, कॉल बाय रेफरेंस वैल्यू मॉडिफाइड हो जाएगा। इस एग्जाम्पल से ध्यान दीजिए कैसे मॉडिफाइड हो रहा है। देखिए इसमें थोड़ा सा पॉइंटर का कॉन्सेप्ट यूज किया है। ये क्या होता है, पॉइंटर क्या करता है, वैल्यू भी स्टोर करता है, एड्रेस भी स्टोर कर सकता है। इसलिए पॉइंटर और उसको डिक्लेयर कर लेते हैं ऐसे करते हैं, इंट स्टार लगा देते हैं, एन कर देते हैं, और बाकी सब सिमिलर है। इसलिए कल अभी थोड़ा सा ध्यान दीजिए पॉइंटर ऐसे काम करता है, ज्यादा डिटेल बाद में पॉइंटर जब पढ़ेंगे बता देंगे। तो पॉइंटर जब भी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे होता है उसके आगे क्या, वेरिएबल के आगे स्टार लगा देते थे, या क्या करता है, अनदर वेरिएबल के एड्रेस को भी स्टोर करता है और डेटा को भी स्टोर करता है। कैसे स्टोर करता है समझ में आ जाएगा यहाँ पर ध्यान दीजिए। इस केस में देखिए क्या, एग्जीक्यूशन मेन से होगा, मेन में क्या किया है, इंट एक्स इक्वल 500। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ इस मेमोरी लोकेशन का नाम हमने एक्स दिया है, एक मेमोरी लोकेशन एलोकेट कर रहे हैं, उसका नेम दिए हैं, क्या दिए हैं, नेम एक्स दिए हैं, और उसका एड्रेस होगा समथिंग, कुछ भी एड्रेस होगा। सपोज कीजिए हमने उसका एड्रेस ले लिया 100 एड्रेस है, इस मेमोरी लोकेशन का एक्स का एड्रेस 100 है, और इस मेमोरी लोकेशन में वैल्यू कितना असाइन हो रहा है, 500, इसका 500 असाइन की। ध्यान दीजिए यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा ये ऐसा है। अब ध्यान दीजिए इसमें क्या कर रहे हैं, एक्स जो इतना ओके है उसका क्या वैल्यू प्रिंट करें, बिफोर फंक्शन कॉल एक्स का वैल्यू प्रिंट करें, एक्स का वैल्यू क्या है 500 है, तो 500 यहाँ प्रिंट हो गया, कोई इशू नहीं है, 500 आपका यहाँ प्रिंट हो जाएगा, 500 आपका प्रिंट हो गया। अगला लाइन में देखिए, फंक्शन कॉल कर रहे हैं लेकिन किससे कर रहे हैं, कॉल बाई एड्रेस से कर रहे हैं, मतलब एक्स का एड्रेस पास कर रहे हैं, तो मॉडिफाई एम्परसेंड एक्स। देखिए एड्रेस रिसीव करने के लिए आपको यहाँ पॉइंटर वेरिएबल चाहिए, तो वैल्यू रिसीव करने के लिए तो नॉर्मल वेरिएबल से रिसीव कर लेंगे, एड्रेस रिसीव करने के लिए आपको पॉइंटर वेरिएबल चाहिएगा। देखिए फॉर्मल पैरामीटर क्या है, वेरिएबल का नाम ए एन है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ए आपका एन है, इसका नेम एन दिए है, कुछ भी इसका एड्रेस होगा, मान लीजिए कि इसका एड्रेस 200 है, उससे इशू नहीं मैटर करता है। और ध्यान दीजिए क्या करें, मॉडिफाई एम्परसेंट एक्स में यहाँ से एड्रेस पास करें, मतलब एड्रेस पास करें तो इसका एड्रेस कितना है, एक्स का एड्रेस, एक्स का एड्रेस ध्यान दीजिए ये आपका 100 है, हम यहाँ 100 पास करें, और एड्रेस रिसीव करने के लिए आपको पॉइंटर वेरिएबल चाहिए, तो ये जो क्या आपका एन जो रिसीव करेगा क्या करेगा, 100 रिसीव करेगा, 500 उसका वैल्यू नहीं रिसीव करेगा, उसका एड्रेस रिसीव करेगा। तो ये एड्रेस रिसीव किया, एन जो है एड्रेस रिसीव किया, एड्रेस रिसीव किया क्या 100, तो 100 एड्रेस कहाँ पर है यहाँ, जैसे ही 100 एड्रेस रिसीव करेगा इसको पॉइंट करने लगा, हमेशा इसी को पॉइंट करेगा, ये जो एन जो है वेरिएबल इस एक्स को ऑलवेज पॉइंट करेगा एक्स को, क्योंकि ये एड्रेस रिसीव किया है तो इस एड्रेस को पॉइंट करेगा, इस एड्रेस का है 100, इस एड्रेस पर जो वैल्यू का उसके साथ वर्क होगा, मतलब ये हमेशा किसको पॉइंट कर रहा है, एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। अब ध्यान दीजिए क्या है, बिफोर एडिंग द वैल्यू इनसाइड एन का वैल्यू प्रिंट करते, देखिए अगर एन का वैल्यू यहाँ प्रिंट करवाते स्टार एन नहीं लगाते सिर्फ एन लगाते, तो एन का वैल्यू कितना है 100, मतलब ये एड्रेस प्रिंट करता है, और आपको इसको वैल्यू प्रिंट करवाना है तो स्टार एन लगाइए, मतलब इस लोकेशन 100 लोकेशन पर जो वैल्यू है उसको प्रिंट करेगा, तो इस 100 लोकेशन कहाँ है, यहाँ इस 100 लोकेशन में वैल्यू क्या है 500, स्टार एन की वजह से इसका वैल्यू प्रिंट करेगा, मतलब ये 500 आपका आउटपुट यहाँ देगा। बिफोर फंक्शन मॉडिफिकेशन से पहले क्या हो रहा है यहाँ पर, जैसे ये स्टेटमेंट पहले क्या हो 500 प्रिंट, पर यही अगर स्टार एन की बजाय स्ट्रिक एन की जगह सिर्फ एन लिखते हैं तो ये क्या एन का वैल्यू कितना है 100, मतलब इसको एड्रेस को प्रिंट कर देता है ये, लेकिन हमको वैल्यू को एक्सेस करना है तो स्टार एन लगा के वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं, कैसे इस 100 लोकेशन पर जो वैल्यू है उसको ये एक्सेस करेगा, 500 को प्रिंट कर दिया। उसके बाद ध्यान दीजिए आगे क्या कर रहे हैं, स्टार एन इक्वल टू स्टार एन प्लस 500 कर रहे हैं, देखिए एन लिखते हैं तो एन का वैल्यू क्या 100, स्टार एन मतलब इस 100 लोकेशन पर, इस 100 लोकेशन कहाँ है यहाँ, इस 100 लोकेशन पर क्या वैल्यू है 500, मतलब इसको एक्सेस किया करना है, स्टार एन मतलब 500 प्लस 500 इक्वल टू क्या हुआ, स्टार एन मतलब वैल्यू का 1000 हो गया था, 1000 हो गया, तो किसको किसको मॉडिफाई कर रहा है,
एन क्या लोके पॉइंट करा है, 100 एड्रेस को पॉइंट करा है, वर्क कहां पर कर रहा है, इस एड्रेस पर आकर काम करेगा। स्टार एन इक्वल टू स्टार एन प्लस 500, स्टार एन का वैल्यू कितना है यहाँ पर, एन का वैल्यू 100, स्टार एन का वैल्यू मतलब 100 लोकेशन का वैल्यू क्या 500, स्टार एन का वैल्यू 500, 500 स्टार एन का वैल्यू 500 और यहाँ ऐड क्या करें 500, 500 प्लस 500 क्या होगा, 500 से 500 क्या होगा, 500 500 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। इस तरह से ये वैल्यू क्या, एक्स के वैल्यू को 1000 कर दिया, स्टार एन मतलब एक्स के वैल्यू को 1000 कर दिया, 100 से 500 से 1000 कर दिया। अब उसका हमको क्या करना है, प्रिंट करेंगे, प्रिंट आफ्टर एडिंग वैल्यू इनसाइड द फंक्शन एन इज इक्वल परसेंट स्टार एन, स्टार एन मतलब 100 एन का वैल्यू कितना है 100, 100 लोकेशन यहाँ पर है, 100 लोकेशन वैल्यू क्या है 1000, मतलब यहाँ पर आपको आउटपुट क्या मिलेगा 1000 मिलेगा। और क्या क्लोजिंग ब्रेस आएगा, मतलब जैसे जैसे कॉलिंग क्लोजिंग ब्रेस आएगा तो क्या वापस रिटर्न कहाँ चला जाएगा, यहाँ से कॉल आया तो कॉल यहाँ से आया तो वापस आएगा। उसके बाद आप देखिए प्रिंट आफ्टर फंक्शन कॉल एक्स इक्वल परसेंटेज डी बैक्स में एक्स, अब एक्स का वैल्यू प्रिंट करते हैं, एक्स का वैल्यू क्या देखिए, देखिए एक्स का वैल्यू 500 नहीं है, ये मॉडिफाई होकर 500 से 1000 हो गया, इसलिए कॉल बाय वैल्यू सॉरी कॉल बाय एड्रेस या कॉल बाय रेफरेंस वैल्यू क्या मॉडिफाइड हो जा रहा है एक्चुअल पैरामीटर में। यहाँ का क्या था एक्स एक्चुअल पैरामीटर था, एक्चुअल पैरामीटर का भी वैल्यू मॉडिफाई हो जा रहा है, कॉल बाय वैल्यू में सिर्फ फॉर्मल पैरामीटर में मॉडिफाई हुआ था, एक्चुअल पैरामीटर में मॉडिफाई नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ कॉल बाय रेफरेंस या कॉल बाय एड्रेस कहिए उसमें क्या हो एक्चुअल पैरामीटर का भी वैल्यू देखिए मॉडिफाई हो गया, सारा वो वर्क कहाँ हो रहा है एक्चुअल पैरामीटर पर हो रहा है। अलग बात है फॉर्मल पैरामीटर के थ्रू काम कर रहे हैं लेकिन काम तो हो रहा है एक्चुअल पैरामीटर पर ही, यहाँ एक्स पर ही वर्क हुआ तो एक्स का वैल्यू मॉडिफाई हो गया। इसमें देखिए कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस थोड़ा सा डिफरेंस है, ऐसे अलग बात है ये डिस्कस कर सके फिर से रिपीट करते हैं। इसके कॉल बाय वैल्यू में एक कॉपी ऑफ द वैल्यू इज पास्ट इनटू द, कॉल बाय वैल्यू क्या वैल्यू के कॉपी को पास करते हैं, बट क्या होता है कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है वेरिएबल के एड्रेस को पास करते हैं, पहला अंतर यह है। दूसरा अंतर क्या है, चेंजे जो भी फंक्शन चेंजे मेड इन साइड द फंक्शन इज लिमिटेड टू द फंक्शन ओनली, मतलब जिस फंक्शन में जो भी चेंज करते हैं वो सिर्फ उस फंक्शन के अंदर ही लिमिटेड रहता है, मतलब वैल्यू सिर्फ एक्चुअल पैरामीटर में चेंज नहीं होता फॉर्मल पैरामीटर में चेंज होता है। जैसे कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है इसमें हम लोग जो चेंज किया था तो सिर्फ क्या लोकली मतलब इसी फंक्शन में चेंज होता था, एक्चुअल में चेंज नहीं होता था, मेन में चेंज नहीं हुआ था, वही चीज यहाँ बोल रहे हैं चेंजे मेड इन साइड द फंक्शन इज लिमिटेड टू द फंक्शन ओनली, वैल्यू ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर डू नॉट चेंज बाय द चेंजिंग द फॉर्मल पैरामीटर, जो भी फॉर्मल पैरामीटर में चेंजेज या मॉडिफिकेशन किए थे वो एक्चुअल पैरामीटर में चेंज नहीं हो पाता है कॉल बाय वैल्यू में, लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है एक्चुअल पैरामीटर में ही में चेंज हो जाता है। सो चेंज मेड साइड इन फंक्शन इज वैलिड आउटसाइड विद फंक्शन मीन्स क्या होता है एक्चुअल पैरामीटर में भी यहाँ चेंज हो जाता था, सिर्फ फॉर्मल पैरामीटर में ही चेंज नहीं होता है, फॉर्मल पैरामीटर में जो भी चेंजेस करते थे वो एक्चुअल पैरामीटर को भी चेंज कर देता था कॉल बाय रेफरेंस में, क्योंकि अभी जिस एग्जांपल से समझा चुके हैं बस उसको लिखा हुआ पॉइंट आउट करके। नेक्स्ट क्या कॉल बाय एक्चुअल फॉर्मल पैरामीटर आर्गुमेंट्स आर क्रिएटेड एट इसमें देखिए डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पर क्रिएट हुआ था, लेकिन यहाँ क्या होता है एक्चुअल फॉर्मल पैरामीटर सेम मेमोरी लोकेशन को ही एक्सेस कर रहा है। देखिए ये आपका एक्स एक्चुअल पैरामीटर है और एन क्या है फॉर्मल पैरामीटर, दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को ही एक्सेस किया था, 100 को एक्सेस करके चेंज कर दिया था, ये कुछ डिफरेंस हुआ। उसका देखिए कुछ और कॉन्सेप्ट आपको इसमें पढ़ना है फंक्शन में, जैसे आपने अभी तक स्कैनएफ स्कैनएफ पढ़ते आए थे स्कैनएफ प्रिंटर, सो देखिए स्कैनएफ क्या था, स्कैनएफ क्या था इनपुट डेटा के लिए यूज करते हैं, इसका सिंटेक्स क्या था स्कैनएफ रहता था कंट्रोल स्ट्रिंग आर्गुमेंट वन आर्गुमेंट टू डॉट करके आर्गुमेंट, इस तरह से क्या होता है कंट्रोल स्ट्रिंग मतलब यहाँ पर आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते थे, अगर सिंगल कैरेक्टर रीड करना रहेगा तो परसेंटेज सी यूज करेंगे, अगर डेसिमल नंबर रीड करना रहता तो क्या परसेंटेज डी यूज करते थे, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर या रियल नंबर के लिए परसेंटेज एफ यूज करते थे, कंट्रोल स्ट्रिंग रहता था या फॉर्मेट स्पेसिफायर जिसको बोलते थे, अगर आपको स्ट्रिंग रीड करना रहता था तो परसेंटेज एस यूज करते थे, अगर हेक्साडेसिमल इंटीजर रीड करना रहेगा क्या परसेंटेज एक्स यूज करेंगे। इस तरह से आपका क्या स्कैनएफ क्या होता है स्कैनएफ फंक्शन इनपुट के लिए यूज होता है और इसका क्या सिंटेक्स क्या कंट्रोल स्ट्रिंग डबल कोट में लिखते हैं उसके बाद आर्गुमेंट वन आर्गुमेंट टू इस तरह से देते जाते हैं, ये भी जो है परसेंटेज सी परसेंटेज डी परसेंटेज ये सब क्या आपका कंट्रोल स्ट्रिंग बोलिए या फॉर्मेट स्पेसिफायर बोलिए, इस तरह से क्या होगा जैसे यहाँ पर देखिए स्कैन है परसेंटेज डी एम परसेंट ए का वैल्यू इनपुट करेगा वो क्या है डिसिमल नंबर मतलब इंटीजर इनपुट होगा, परसेंटेज एफ एवरेज का वैल्यू क्या होगा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा, परसेंटेज सी एम परसेंट टाइप में एक एक कैरेक्टर टाइप इनपुट रिसीव करेगा, मतलब जैसा आपको इनपुट चाहिए उस अनुसार आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर कंट्रोल स्ट्रिंग यूज करना होगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आर्गुमेंट्स देना होगा।
ये आपका इस तरह से स्कैनएफ काम करता है। उसी तरह आपका प्रिंटएफ है, प्रिंटएफ में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, प्रिंटर में भी वैसे क्या होगा, जनरल ये आउटपुट के लिए यूज करते हैं, और प्रिंटर में क्या कंट्रोल स्ट्रिंग मतलब यहाँ मतलब फॉर्मेट स्पेसिफायर देते हैं, आर्गुमेंट का वैल्यू आर्गुमेंट वन आर्गुमेंट टेन जितने होंगे उतने आर्गुमेंट्स दे देंगे, और कंट्रोल स्ट्रिंग में यहाँ देखिए परसेंटेज भी इंटीजर के लिए वही सेम रहेंगे, जैसे स्कैनर पे यूज करते थे परसेंटेज भी इंटीजर के लिए, परसेंटेज सी करेक्टर के लिए, उसी तरह प्रिंटर में भी यूज करेंगे। और अंतर क्या करना होगा, सिर्फ इसमें क्या करते थे, स्कैनएफ में एम्परसेंट लगाते थे, लेकिन प्रिंटएफ में आपको एम्परसेंट नहीं लगाना है। यहाँ पर ध्यान दिया, स्क्रीन पर हमने थोड़ा सा कुछ प्रिंटएफ स्टेटमेंट दिया, उसका कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या होगा उस तरह से आपको यहाँ थोड़ा सा समझा देते हैं। हमने फ्लोटिंग पॉइंट एक लिया है, वेरिएबल डिक्लेयर किया है, फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल क्या डिक्लेयर किया है, फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल का नेम वाई दिए हैं, ध्यान दीजिएगा, और इसमें साइन क्या किया है, वैल्यू वाई इज इक्वल टू 98.7654 y assign किए, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए printf देखिए printf percentage is 7.4 fy। अब इस केस में देखिए इस तरह से अगर printf स्टेटमेंट दिया जाएगा तो आपका आउटपुट क्या होगा, इस चीज का मतलब ध्यान दीजिए क्या होता है, 7.4 का मतलब टोटल आपका स्क्रीन को आउटपुट 7 करेक्टर करना है, मतलब इस तरह से आप समझ लीजिए इसको, थोड़ा एग्जांपल देते हैं, इस तरह से ब्रैकेट देकर आपको समझा देते हैं, ज्यादा समझ में आएगा, 7 ब्रैकेट बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये आपका हो गया आपका 7, मतलब टोटल आउटपुट क्या हुआ, 7 करेक्टर स्पेस लेगा आउटपुट में, और टोटल 7 प्लेसेस लेगा आउटपुट के लिए, उसमें क्या, लेकिन 7.4 दिए थे, इसका मतलब क्या होगा, टोटल आपको 7 करेक्टर प्रिंट होना चाहिए, लेकिन डेसिमल के बाद कितना डिजिट प्रिंट होना चाहिए, 4, मतलब टोटल क्या डेसिमल के बाद 4 डिजिट प्रिंट होना चाहिए, और डेसिमल टोटल 7 होना चाहिए, देखिए कितना है 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इस तरह से इसमें क्या होगा, यहाँ पर आपका 9 आएगा, ब्रैकेट नहीं प्रिंट होगा, समझाने के लिए ब्रैकेट दिए, 9 8.7 6 5 और 4, इस तरह से आपका ये आउटपुट प्रिंट होगा इस केस में। अगला केस में क्या दिए हैं, प्रिंटएफ 7.2f, इस केस में देखिए आपका आउटपुट थोड़ा सा डिफर करेगा, इसमें क्या करें, टोटल तो 7 प्लेस प्रिंट करना है, लेकिन डेसिमल के बाद सिर्फ 2 प्रिंट करना था, इस केस में क्या हुआ, डेसिमल के बाद सिर्फ 2 करना है, डेसिमल यहाँ पर पोजीशन आएगा, और डेसिमल के बाद सिर्फ 2 करेक्टर प्रिंट करना है, मतलब डेसिमल के बाद बाकी को लीव कर देंगे, तो 7.6 अगर राउंड अप, अगर ये राउंड अप हो जाता है तो 7.6 क्या हुआ, ऐसा प्रिंट हो सकता है 7.1, यहाँ पर आपका क्या हुआ प्रिंट क्या 7.2 प्रिंट करना था, पॉइंट के बाद 2 अंक प्रिंट होगा, पॉइंट के बाद क्या है 7 प्रिंट होगा, और 6 अगर राउंड अप होकर किसी कहीं आपको 6 7 भी आ सकता है, और कहीं 6 भी आ सकता है, इस तरह से प्रिंटिंग हो सकता है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट प्रिंट होगा 7, और पॉइंट के पहले कितना बचा, सिर्फ 2 ही डिजिट बचा है, तो मतलब क्या होगा 98.98, इस तरह से आपको क्या होगा इस केस में ऐसा प्रिंट होगा 98.77 प्रिंट होगा, और बाकी दो स्पेसेस क्या रहेगा ब्लैंक रह जाएगा, ये दोनों ब्लैंक रह जाएगा, इस तरह से आपको प्रिंटिंग हुआ 98.77, ध्यान दीजिए टोटल 7 प्लेस हुआ ना 1 2 3 4 5 6 और ये ऐसा था 7, टोटल 7 प्लेसेस प्रिंट हुआ, लेकिन डेसिमल के बाद 2 प्रिंट हुआ, तो बाकी ये ब्लैंक रह जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए इस केस में क्या है, माइनस लगा हुआ है, माइनस लगाने से ऐसा क्या होता है ना, जैसे परसेंटेज माइनस 7.2 एफ इस तरह से ऐसे देने से क्या होगा कि ये आपका राइट जस्टिफाइड प्रिंट हुआ, ये जैसे लेफ्ट जस्टिफाइड प्रिंट हुआ ना, तो राइट में 2 प्लेसेस छोड़ दिया, लेकिन इस केस में क्या हुआ माइनस लगाने से राइट जस्टिफाइड प्रिंट हुआ, मतलब इस तरह से अगर देख लीजिए, अगर ये ब्रैकेट दे देते हैं 7 प्लेस देना होगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 और ये आपका 7 हो गया। इस केस में देखिए क्या कर रहा है, आपको राइट जस्टिफाइड प्रिंट करना है,
कितना प्रिंट हुआ है? 7.2। तो डेसिमल के बाद दो ही प्रिंट हुआ है, तो डेसिमल के पहले कितना है? दो है, तो डेसिमल के पहले कोई इशू नहीं होगा, राइट जस्टिफाइड प्रिंट हुआ। तो यहाँ 9, 8, उसका पॉइंट आएगा, अब 0.2, 0.2 की वजह से क्या हुआ, दो डिजिट 7.6 है, तो 7 राउंड अप होकर क्या हो सकता है 7.77 हो सकता है, कहीं कहीं आपको 7.6 भी आउटपुट मिलेगा, कंपाइलर के ऊपर डिपेंड करता है जहाँ राउंड अप निकल कर पाएगा। इस तरह का 98.77 ये प्रिंट होगा, लेकिन बाकी दो जो प्लेसेस होगा तो क्या होगा, डेसिमल का तो दो ही प्रिंट करने को बोला था, दो प्लेसेस क्या होगा, जीरो और जीरो से फिल हो जाएगा। और ये तो आपका नॉर्मल क्या है, प्रिंट है परसेंटेज एफ, और कुछ नहीं, अगर ऐसा कुछ नहीं यूज करते हैं 7.4, 7.2 या -7. ऐसा कुछ नहीं यूज करते हैं, सिर्फ सिंपली परसेंटेज एफ लिख देते हैं, तो जो आपका ओरिजिनल है वो प्रिंट करेगा। लेकिन कैसे प्रिंट करेगा, जो आपका ओरिजिनल है वो तो प्रिंट होगा, लेकिन उसके और ध्यान दीजिए, इस केस में जैसे माइनस किए थे यहाँ पर जीरो नहीं प्रिंट होगा, ये माफ कीजिएगा, ये जीरो का जब बजाय ब्लैंक ही रह जाएगा, कुछ नहीं प्रिंट होगा यहाँ पर। इस केस में जैसे ये माइनस वाले में डेसिमल का दो है तो दो ही प्रिंट होगा, लेकिन इस केस में आपका क्या करना होगा, देखिए डेसिमल के बाद कितना है, टोटल चार ही कैरेक्टर, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि फ्लोटिंग पॉइंट में डेसिमल का कितना कैरेक्टर लेता है, 6 कैरेक्टर लेता है। तो इस केस में अगर सिर्फ ऐसा लिखते हैं तो इस केस के लिए आउटपुट, लास्ट के लिए आउटपुट आपका ये होगा 90, ये ध्यान दीजिए 9 है, 98.7654 ऐसा होगा। और लेकिन देखिए डेसिमल के बाद फ्लोटिंग पॉइंट कितना लेता है, डेसिमल और डिफॉल्ट 6 डिजिट प्रिंट करता है, तो बाद में दो क्या डेसिमल में चार ही है तो दो जीरो प्रिंट हो जाएगा। इससे क्या 98.76540 अगर कुछ भी नहीं यूज करते हैं तो इस तरह से आपको प्रिंट हो जाएगा। ये परसेंटेज ये तो डिफरेंट डिफरेंट तरीका से प्रिंट करने का है, प्रिंट कैसे काम करता है, पॉइंट ऐसे 7.4 लगा देते थे, क्या हुआ टोटल 7 कैरेक्टर प्रिंट होगा और डेसिमल के बाद 4 प्रिंट होगा, इस तरह से प्रिंट होगा। सो